नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 7 सितंबर। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कॉटन में हमने फिर से एक बिकवाली वाला दिन देखा। हमने देखा 0.5% की गिरावट के साथ कॉटन अक्टूबर वायदा 25,700 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो सितंबर वायदे में हमने देखा कि कोई बड़ा लेवल नहीं होने की वजह से वापस हमने बिकवाली का रुख देखा, जहां पे 1.5% की गिरावट आती हुई दिखाई दी। ओपन इंटरेस्ट देखिए, 44,160 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खुला है, जिसका मतलब है मार्केट में अभी भी प्रेशर बन सकता है। कल हमने 2500 का लो जरूर बनते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं टेक्निकली ओवर सोल्ड जोन में धीरे धीरे पहुंचते जा रहा है। बट टेक्निकली अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 2400-2420 तक के सपोर्ट सितंबर वायदे में बनते हैं। वहीं दिसंबर वायदे की अगर बात करें तो ये भी हमने देखा कि 2515 पे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। दोनों के बीच में जो स्प्रेड है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सेशन में भी हमें लगता है कि सितंबर वायदे में गिरावट ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दिसंबर, क्योंकि 2300-2400 एक फेयर प्राइस कह सकते हैं हम लोग दिसंबर वायदे में रहेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ धीरे धीरे जो डिमांड है वो थोड़ी सी नदारद थी, जिसकी वजह से प्राइस में गिरावट बनी हुई। इंटरनेशनल की भी अगर हम बात करें तो दिसंबर वायदा करीबन 0.5% के करीब की गिरावट के साथ 93.58 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे। बट चाइना की तरफ से हमने कंटिन्यू एक बाइंग आते हुए देखी है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा जो 1% का सेस रिमूव हुआ है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट कर सकता है, बट ओवरऑल रिटेल डिमांड जो है कॉटन की वो कंटिन्यू बनी हुई रहेगी, ये साल अच्छा बताया जा रहा है। साथ में हमने देखा सीसीआई ने भी जो ऑलमोस्ट ऑफलोड करना था वो हो चुका है। कहीं ना कहीं प्राइजेस में मुझे लगता है कि अगले 7-8-10 दिन की गिरावट और रह सकती है, कंसोलिडेशन रह सकता है। जिस दिन से गुजरात की क्रॉप में भी हमने देखा है कि अब कंडीशन थोड़ा अच्छा बताया जा रहा है एज ऑफ नाउ, तो हमें लगता है कि प्राइजेस में 8-10 दिन तक की थोड़ी गिरावट रह सकती है, बिकॉज अराइवल भी हमने नॉर्थ साइड में और साउथ में आते हुए देखा है। ओवरऑल आज का सेशन भी नेगेटिव भरा रह सकता है, चाहे कॉटन की बात करें, चाहे कपास की बात करें, चाहे कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें। चार्ट के लिए भी अगर हम देखें तो इनिशियल गेन्स के बाद कॉटन अक्टूबर वायदे में फिर से बिकवाली बनी है। प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। आरएसआई 50 का लेवल तोड़ने के लिए तैयार है। चौपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में वॉलिटी है। मैकडी नेगेटिव दिखा रहा है बिकॉज जीरो लाइन के नीचे आ चुका है, जो कहीं ना कहीं 25,400 से लेकर 25,200 तक के टारगेट दिखा सकता है। वहीं सितंबर वायदा कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो प्राइजेस 2600 के नीचे वीक है, जो 2430 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे मार्केट आता हुआ दिखाई देगा तो प्राइजेस में बिकवाली करके चलिए। जब तक प्राइजेस 2600 के ऊपर नहीं निकलता है ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। आइस कॉटन नो डाउट 250 मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर है, बट कहीं ना कहीं 93 सेंट का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले सकता है, बट कोई बड़ा जंप अप नहीं दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अच्छे जरूर है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ा कूल डाउन और नेगेटिवनेस रहेगा। तो आज के लिए कॉटन सीड ऑयल के एक सितंबर वायदे को बेच के चलिए 2440 के टारगेट के लिए। वहीं दिसंबर वायदे में भी बिकवाली रह सकती है, बट बड़ी बिकवाली मत कीजिए। 2460-70 के आने के बाद प्राइसेस में लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दे सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।